Assalamualaikum friends, welcome to Iba classes. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले conditional sentences के बारे में. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले जानते हैं conditional sentence किसे कहते हैं. This type of sentences talk about real or imaginary situation and their possible outcomes. It express a condition and its result. तो conditional sentence एक ऐसा real या imaginary situation बता रहा होता है जिसमें एक condition होती है और उससे वो condition fulfill होने पर क्या result हमें मिलेगा, वो रिजल्ट भी उस सेंटेंस में शामिल होता है. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी, तो इस सेंटेंस में एक कंडीशन है कि अगर बारिश हुई और रिजल्ट क्या है कि मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी. तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. There are several types of conditional sentence that show a different level of possibility. तो conditional sentence को अलग अलग categories में डाला गया है और वो basis उनका क्या है कि वो अलग level of possibility show करते हैं. तो चलिए हम इनके types को पढ़ते हैं और समझते हैं. तो पहला है zero conditional. It is used for general truths, scientific facts and situations that are always true. ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ तब किया जाता है जब हम कोई जनरल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट या फिर कोई ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हो जो हमेशा सही ही होता है. इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम लोग कंडीशन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और हमारा रिजल्ट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है. इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. अगर आप आइस को हीट करते हो तो वो मेल्ट करेगा. तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है या फिर जनरल ट्रूथ है और इसकी पॉसिबिलिटी 100% है. तो जब हम कोई ऐसे सेंटेंस की बात कर रहे हो जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी 100% हो, वो एक फैक्ट हो या फिर जनरल ट्रूथ हो, तो हम लोग जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. इफ़ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स. तो अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान तक पहुंच जाता है तो वो बॉईल करेगा. तो ये भी एक जनरल फैक्ट है, इसलिए हम इसे भी जीरो कंडीशनल सेंटेंस में ही यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. इट टॉक्स अबाउट रियल पॉसिबिलिटीज इन विच द कंडीशन कैन बी फुलफिल्ड एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम्स कैन बी सीन इन द फ्यूचर. ये सेंटेंसेस प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रही होती है. अगर वो कंडीशन जो सेंटेंस में दिया गया अगर वो फुलफ़िल हो जाए तो हमें जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो हमें देखने को मिल सकता है. हम इस टाइप के सेंटेंस में कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और इसका रिजल्ट फ्यूचर टेंस में होता है. इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते. If it rains, I will take an umbrella. तो यहाँ पे अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला ले लूँगी. तो ये प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर है और अगर कंडीशन फुलफ़िल होता है कि बारिश अगर होती है तो रिज़ल्ट क्या होगा कि मैं अम्ब्रेला ले लूँगी, तो ये इसका रिज़ल्ट है. तो अगर कंडीशन फुलफ़िल होती है तो हमें एक्सपेक्टेड आउटकम देखने को मिलता है. जैसे कि नेक्स्ट है, इफ़ यू वाटर द प्लांट्स दे विल ग्रो फास्टर. अगर आप प्लांट्स को पानी देते हो तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा. तो ये एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर आप प्लांट्स को पानी देते हो तो ये कंडीशन है और अगर आप ये फुलफ़िल करते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जल्दी ग्रो करेगा. तो ये प्रेजेंट सिचुएशंस के ऊपर होती है और अगर कंडीशन फुलफ़िल किया जाएगा तो हमें एक्सपेक्टेड आउटकम या उसका रिजल्ट देखने को मिलता है. ऐसे भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती, ना के बराबर होती है, वो इम्पॉसिबल सेंटेंसेस होते हैं. हम उन्हें भी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए बस इतना.